हमारे पास जो सेक्शन तीन है उनमें से पहली सेक्शन है हमारे पास असेसमेंट की। इसके बारे में आपको आपकी क्लास के अंदर बता दिया गया है कि कैसे हमने क्या चीज सेट करनी है, राइट। तो आपको जो सब्सक्राइब करने हैं, जो रिव्यू देने हैं, जिस तरह से आपने करना है ये, और अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। तो ये 50 मार्क्स यहां पर आएंगे आपके। अब उसके बाद सेकंड होता है आपका वाइवा, जो आपके रोल नंबर की जो लिस्ट बन के गई है, उस रोल नंबर की लिस्ट में ये चीज मेंशन की गई है कि आपका इस समय क्या चल रहा है। तो वहां पर झूठ बोलने की वजह से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका कितना कोर्स हो गया, तो आपने बताना है और सही बताना है। तो वो आपको आपके कोर्स के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको तीन पूछे या पांच पूछे, हर क्वेश्चन से आपको 10 से 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे वो आपसे पूछ लेते हैं सेव और सेव एज में क्या फर्क है, कटर कॉपी में क्या फर्क है, आप इंग्लिश में जवाब दो, आप हिंदी में जवाब दो, आप पंजाबी में जवाब दो, आप जैसे भी हो, आप एक वर्ड बोलो या एक पूरा पैराग्राफ बोलो, ये आपके ऊपर है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा भाई। लेकिन ये जो आप कहना चाहते हो वो सही हो। टीचर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है तो बहुत क्लियरली पूछेगा कि आपसे जब वाइवा होता है तो कोई कई टीचर खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, आपसे पूछते हैं, आपका रोल नंबर स्लिप मांगते हैं। अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप नहीं होगी तो वाइवा नहीं होगा, समझिए बात को। तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बड़े छोटे छोटे होंगे और आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिजाइनिंग कर रहे हो डिजाइनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक ही हुआ है, एमएस वर्ड एक्सेल हुआ है तो एमएस वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, ये नहीं है कि वो आपसे कुछ ही पूछ लेंगे, उनके पास भी एक लिस्ट होती है, दायरा होता है। वो आपको नहीं जानते कि भाई आप में से कौन होशियार है कौन होशियार नहीं है, वो सिर्फ आपको एक टाइम मिल रहे हैं। तो आपको ना तो उनसे घबराना है ना कोई टेंशन लेनी है, आपने जस्ट उनके क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं और ध्यान सुनने के बाद आपने आंसर देना है, राइट। अब कई बार क्या होता है, जब टीचर पूछता है तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है, दूसरा क्या आंसर दे रहा है उसके ऊपर ध्यान देता है, ये गलत है। एक तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल से लेके वाइवा रूम तक जाओगे, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, टीचर्स होते हैं आपके मार्क्स कटेंगे। सेकेंडली, जब भी आप लोग ये सब कर रहे हो, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप वाइवा रूम में गए तो आपको जिस टीचर ने अपने पास बुलाया आपने वहीं पर जाना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले क्लियरली, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से पूछ लीजिए, अगर फिर भी आप ऐ करते रहोगे तो वो आपके मार्क्स काट देगा। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिखानी। लाइक उन्होंने पूछा कि रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, तो सबको पता है कंट्रोल प्लस एच है, ठीक है। नहीं है तो आप क्या करते हो, आप सर क्या कहा, कंट्रोल के, नहीं कंट्रोल एस, नहीं सर कंट्रोल एच, आप ठीक है सही तक आए, पर इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखा रहे थे। आप जितनी बार गलत आंसर दोगे उतनी बार आपके मार्क्स कटते रहेंगे, बात समझ आ गई। सो आपने अपने मार्क्स जो है वो कटने से बचाने हैं, राइट। उसके बाद आपसे दो पूछ लिए, तीन पूछ लिए, आप कह रहे हैं जाइए, तो ये नहीं आपने कहना नहीं सर पांच पूछ लीजिए, एक और पूछ लीजिए, और जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लीज आंसर उतना दीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर से एक और क्वेश्चन बन जाए और आपको आता हो, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, वाइवा रूम में जब टीचर क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर नहीं भी आता तो भी आपने आंसर देना जरूर है, ठीक है। आंसर देना जरूर है, क्योंकि आंसर देने से उनको पता लगता है कि बच्चे को हो सकता घबरा गया हो, पर बच्चे को आंसर आता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो कई बार क्या आता है, हमारा तुक्का भी सही लग जाता है, पर अगर आपने बोल दिया नहीं आता घबरा गए तो उन्होंने जीरो मार्क कर देना, वो जीरो गलत है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 50 मार्क्स का वाइवा भी कवर होगा। नंबर थ्री, अब यहां पर आते हैं आपके पास एमसीक्यू, एमसीक्यू दैट्स कॉल्ड द मल्टी चॉइस क्वेश्चनिंग, ठीक है।
जो क्वेश्चन हमारे होंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन वन, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, राइट। अब यहां तक पहुंचने से पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, साथ में दी जाएगी एक ओमआर शीट, ये सब जानते हो ना, आजकल तो स्कूल में भी यही चल रही है, कॉलेज में गर्म चल रही है, दैट्स कॉल्ड द ओ एम आर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट। तो ये जो होती है इसमें आपने ध्यान से देखना है, इसमें सारी आपको गाइडलाइंस भी दी होगी और ये पेपर भी आपके हाथ में होगा, इसको फोल्ड नहीं करना, नंबर एक, आप फोल्ड कर दोगे ठीक रही है, ये चेक नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। सो इसमें आपके पास ऊपर एग्जाम के बारे में लिखा होगा, यहां पर डायरेक्शन दी होगी, जो डायरेक्शन है साथ में यहां पर दिया होगा कि कैसे करना कैसे नहीं करना। कई बार क्या होता है जब हम सर्कल को राउंड करते हैं, जैसे हमारे पास ये सर्कल होते हैं तो क्या करते हैं हम, ये डॉट डॉट लगा देते हैं, ये गलत है, इसको जब भी करना है पूरा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से पूरा डार्क कर देना है, इसे जेल पेन कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर आप जेल पेन यूज करते हो तो इसका इंपैक्ट बहुत गलत पड़ता है। कई बार क्या होता है जब पेपर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो उसका निशान पड़ जाएगा, तो दूसरे को तो मार्क्स मिल जाएंगे, जिस पर्सन जेल पेन यूज किया होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन होगी, राइट। तो ये सही मेथड होता है इसको डार्क करने का। तो इसमें आपने, आपके पास आपको बता दें पांच तरह के सेट होंगे, इसको प्रॉब्लम हो रही है, पानी पी लो भाई, यू नो दिस के रिकॉर्डिंग चल रही है बार बार, तबीयत खराब है घर जा सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, करे कंटिन्यू। तो यहां पर हमारे पास पांच सेट होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो सेट मार्क किया होगा वो सेट आपने यहां पर पहले डार्क कर लेना है, उसके बाद 9 डिजिट का आपका रोल नंबर है, रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाएगी, अगर टाइम अभी हुआ तो अभी दे देंगे वरना कल क्लासरूम में मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस पे आपने जो आपका रोल नंबर है, आपको ये प्रैक्टिस के लिए भी दी जाएगी, क्योंकि आपके बुक्स में लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन है, आंसर शीट नहीं दी हुई है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए आपको दी जाएगी, लेकिन आपको पहले बता दे। तो यहां पर ऊपर आपने नंबर लिखने हैं और नीचे उसी हिसाब से आपने सर्कल राउंड कर दे। तो एमसीक्यू के लिए या आपके वाइवा के लिए ये बुक्स जरूरी है, इसको रीड आउट करना कैसे है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम इसको रीड करना शुरू करेंगे। नंबर एक, हम लोगों का इश्यू क्या है, इश्यू यह है सर ये इसने एम कॉम या एम ए की हुई है या बी कॉम बी ए की हुई है, मैं तो अभी 9th में हूं 10th में हूं, तो मैं उसका मुकाबला कैसे कर दूंगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टार ऑफ द ईयर जो स्टूडेंट्स है वो 8वीं 9वीं 10वीं का स्टूडेंट्स आ गया और बाकी सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे देखते रहे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी तो है ही नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को समझना है और समझ के आपने उसको आंसर देना है, सही मार्किंग करनी है जस्ट। तो ये सब होता कैसे है, कैसे किया जाता है, नंबर एक तो जो आप डेली क्लासेस लेते हो तो अभी से आप लोग, अभी आप शुरू कर चुके हैं, जिसने नहीं किया तो डेली आपने कंप्यूटर पर बैठकर एक एक दो दो ग्रुप बनाकर आपने क्वेश्चन की कमांड्स की, एक से क्वेश्चन करने दूसरे से उसने आंसर लेने हैं, जिससे आपको पता लगे। अपने पास कॉपी पेन पेंसिल जरूर रखो, जो लाइन इंपॉर्टेंट लग के अगर टीचर हो सकता है कल को बैठ जाए और कल को बैठ के वो कुछ समझाने लग जाए, आपको उसमें कोई बात अच्छी लगती हो उसको नोट डाउन कर लो, कि एग्जाम कब बन जाएगा कैसे बनेगा किसी को नहीं पता अभी तक। तो इसको अब मसला क्या आता है, सर मेरे को हिंदी तो समझ आती है पर इंग्लिश इतनी नहीं पढ़ पाता या पढ़ पाती, यही इशू है ना। तो इसके लिए आपके पास सभी के पास फोन है, तो आपके मोबाइल के अंदर एक ट्रांसलेट नाम की एप्लीकेशन होती है, गूगल ट्रांसलेट है ना, अगर जिसके मोबाइल में नहीं होगी वो पर्सन क्या करे, नेट से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। तो जैसे ही आप ये करते हो तो इसमें कैमरे की ऑप्शन आ गई, ये कैमरे की जो ऑप्शन आई है
इस पे क्लिक किया और आपने जो पेज को आपने ट्रांसलेट करना है आप जस्ट उसके पास जाओगे, स्कैन पे क्लिक करोगे, तो जैसे मैंने ये व्हाट इज कंप्यूटर को स्कैन किया उसके बाद सिलेक्ट ऑल करके आप इसको लैंग्वेज पे क्लिक कर दोगे तो वो उसको मैंने हिंदी में क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आ गया कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसान और कुशल बनाती है, राइट। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जो बताया वो ये है कि हमें थ्योरी नहीं सुनानी किसी को, हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे, हमने सर सही ऑप्शन चुनना है और सही ऑप्शन आप तभी चुन सकते हो जब आपको क्वेश्चन पता हो और उसके आंसर आपने पढ़े हो। तो एक बार ये बुक्स तो जरूर पढ़नी है सभी ने, और जिसने फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड है या स्टार ऑफ द ईयर आना है तो उनको ये बुक्स बार बार पढ़नी पड़ेगी। अब बुक्स पढ़ते समय आपके हाथ में एक पेंसिल हो और एक ये बुक्स हो तो जैसे आप लाइक हम लोग कह रहे हैं अपना अगर आप चाहते हो कि डिवीजन लेनी है, मैं क्या कह रहा हूं ये क्लास उनके लिए है जरूरी है जो डिवीजन चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अपना क्वेश्चन पेपर खुद बनाओगे। तो मैं जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मैक्स, और अगर मैं इसी तरह से पढ़ता चले जाऊंगा ना समझूंगा नहीं तो गलत है। अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें जो लाइन है पहली लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं इस लाइन को राउंड कर लेता हूं तो मैं फिर ये देखता हूं कि इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर जो वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे कर लो अंडरलाइन, क्योंकि होता फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, होता ट्रू फॉल्स आ जाए, हो सकता है आपको कुछ दे दिया जाए। उसके बाद आगे हमारे पास आफ्टर द पोजेशन द रिजल्ट गिव अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अब यहां पर आ गया देखिए सेकंड पैरा में कंप्यूटर नेम वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रॉम कंप्यूटर विच नेम टू कैलकुलेट, तो ये आ गया लैटिन टर्म कंप्यूटर। मैं कहता हूं ये भी वर्ड मेरा बन सकता है कि कौन सी लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। इसके बाद हमारे पास आ गया कि चार्ल्स बैबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ और नाइट होगा कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, कि कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने, तो मेरे पास ये नाम भी जरूरी है तो मैं इस नाम को भी अंडरलाइन कर लेता हूं। कंसीडर द फादर ऑफ कंप्यूटर, अब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज, तो हम समझ लेते हैं इसको। तो यहां से आपके पास शुरू होता है कि बुक्स को रीड आउट करते समय आप जितनी लाइनों को इंपॉर्टेंट मान लेते हो, वैसे तो यूजलेस लाइन तो कोई भी नहीं होगी लेकिन आपको लगता है कि मैं इस तरह से पेपर बना सकती हूं, तो आप कोशिश कीजिए कि हर पेजेस में से, हर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकालने की, जब आप हर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकाल लोगे तो फिर आपको पेपर अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। टीचर भी कहां से निकालेगा पेपर, इंग्लिश से निकालेगा, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन निकाल लिए तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर टीचर ने भी वही क्वेश्चन निकाले होंगे तो आपका पेपर तो आसान हो गया। दूसरी बात, सही ऑप्शन तो यही रहेगा चार्ल्स बैबेज, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज, सही ऑप्शन तो यही रहेगा चाहे ये ए पे आए, चाहे बी पे, चाहे सी पे, चाहे डी ऑप्शन पे, कहीं पर भी आए, राइट। लेकिन होगा चार्ल्स बैबेज ही, उसके अलावा सलमान खान लिख दिया जाए, बिल गेट्स लिख दिया जाए, टॉम निक हार्डी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, कोई मतलब उन चीजों का। आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो ए बी सी से पहले आप ऑप्शन देखिए आपको ऑप्शन क्या दिए हैं। लाइक आपकी बुक्स में क्वेश्चन है ए फ्लोइंग इज द इनपुट डिवाइस, के नीचे दिए गए में से क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो आपने क्या करना है, आपको दे दिया गया मान लो बुक्स में दिया था कीबोर्ड, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो हमने कहा कि यार कीबोर्ड ही था, लेकिन अब जो पेपर में जो ऑप्शन आई है उसमें कीबोर्ड लिखा ही नहीं हुआ,
कैसे पता लगेगा आपको? तो जाहिर सी बात है, कीबोर्ड ने दिया होगा तो माउस दिया होगा, माउस ने दिया होगा तो माइक दिया होगा, माइक ने दिया होगा तो आपके पास लाइट पेन दिया होगा, जॉयस्टिक दिया होगा, ये सारे इनपुट डिवाइस है ना। इंस्टा का पेज किस किस ने फॉलो कर रखा है तो उस पर तो बहुत सारी वीडियो फोटोज आ रही ना, वो इसीलिए आ रही है। आपको बता दें यूट्यूब पे जो ये वीडियो भी जा रही है ये इसीलिए जा रही है कि जो इंस्टीट्यूट रॉयल के पढ़ रहे हैं यहां से बहुत दूर पढ़ रहे हैं उनका लेवल भी सेम रहे, उनको पता लगे कि हमने अपने बच्चों को क्या समझाया। क्योंकि वो ये ना समझे कि यार इनके सेंटर से बच्चा बार बार आता है, स्टार्ट दिया तो शायद कुछ क्लियर नहीं करते होंगे। तो यही मेथड है, तो आप सभी ने इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई हमने किस चीज को कैसे सेट करना है। और पेपर में ये देखना कि आपकी सही ऑप्शन क्या है। कई बार क्या होता है हम लोग गलती करते हैं चीटिंग करने की, सेट एक आए, पांच आए, दस आए, उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे चीटिंग करते हैं कि फिफ्थ का आंसर क्या है, वो बोल देता सी, अरे भाई तेरा सी हो रहा है, उसका सी हो रहा है। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग करने से सही, अगर उसने सही बता दिया तो समझ लीजिए सही बताने से क्या होगा, आपको सिर्फ एक मार्क्स मिल जाता है। अगर टीचर ने पकड़ लिया पेपर तो मार्क्स ज्यादा कट जाएंगे, तो हमने वो काम करना क्यों है। और जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ये है, जिस बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड या टॉपर आना है वो किसी को चीटिंग नहीं करवाता। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर आती है जब आप लोग जाने अनजाने में अपने मार्क्स कटवाते चले जाते, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहां पर थ्योरी जो है वो ब्रीफली तो आपको बता दी कि कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी पंजाबी इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं यहां पर वन बाय वन नहीं करा रहा हूं कि वन बाय वन कराने का ना टाइम होता है ना हम लोग करा सकते हैं। हाँ, हम आपको कंसेप्ट बताते हैं क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है जो आपसे इनपुट लेती है और बदले में आपको प्रोसेसिंग करके आउटपुट देती है। अब कंप्यूटर चाहे ये 1832 में बना, चाहे ये 2021 में बन रहा है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट जो होता है, ये क्लियर है ना आप सभी को, तो कंप्यूटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। तो चाहे जब से कंप्यूटर बने हैं इनपुट के तरीके बदल गए। पहले क्या था, पंच कार्ड थे स्टार्टिंग में, ठीक है, बड़े बड़े पंच कार्ड होते थे। फिर कीबोर्ड आ गए, माउस आ गया ड्राइंग बनाने के लिए, आजकल वॉइस कमांड चलती है, ठीक है भैया, कल को हो सकता है इशारे चलने लग जाए। तो ये जो है सिर्फ क्या है, इनपुट के मेथड है। और जो पार्ट्स कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, कंप्यूटर कमांड देने के लिए किया जाते हैं, लाइक जब तक मैं ये नहीं कहूंगा, जैसे हम किसे कहते हैं कि एक ग्लास पानी देना, तो ये एक कमांड दी गई, ये इनपुट है, जब तक दी नहीं जाएगी तब तक कौन पानी के लेके जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, इनपुट के जो डिवाइस होते हैं, दैट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आपके पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। मैं आपको पेन नंबर बता दूंगा, आप इससे मल्टीपल करो, ये देखिए पेज नंबर 5 में लास्ट में ये इनपुट कंप्यूटर डिवाइसेस में लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, स्टाइलस एंड MICR। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है। कुछ नया भी आ रहा है तो वो भी आपको इंस्टा के पेज के ऊपर लगातार मिल रहा है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम,
इनपुट डिवाइसेस, ये कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद उसे करता है, उसके ऊपर करता है प्रोसेस, उस पर कमांड चलाता है, रिजल्ट देता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस होता हमारा CPU, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आप सोचते हो ये पूरा बॉक्स को सीपीयू होते है? नहीं, सीपीयू जो होता है ये जो आपके पास मदरबोर्ड है इसके पंखे के नीचे जो लगा हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये फैन नजर आ रहा है, इसके नीचे एक सीपीयू डिवाइस लगा होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो ये सीपीयू है, इसका काम ये आदमी के अंदर माइंड होता है, छोटा सा हिस्सा होता है लेकिन सारे बॉडी कंट्रोल वो करता है। तो उसी तरह से हमारे पास जो है सीपीयू के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो ही पूरी चीज को प्रोसेसिंग में लेके आता है, वही कोड बनाता है, वही डिकोड करता है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये करता है प्रोसेसिंग। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा आपको कि 2 + 3 तो क्या आएगा 5। अब ये क्या है मेरे पास 5, डेट द रिजल्ट। ठीक है, ये क्या है मेरे पास रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आपका निकलता है उसे बोलते हैं हम आउटपुट, और जिन चीजों पे हमने आउटपुट रिजल्ट देखते हैं उनके क्या बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रोजेक्टर, मैंने डिजाइन बनाया, फ्लैक्स निकाल दी, तो फ्लैक्स मशीन क्या होगी, प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मैंने पहले वो स्क्रीन के ऊपर देखा तो स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, वो आउटपुट आ रही है, तो मीटर क्या हो गया, एलईडी क्या होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, ये माइक पे मैं बोलता हूँ, आवाज किसमें आती है, स्पीकर्स पे, तो स्पीकर्स क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस। तो आपको समझ आ गई ये चीजें। तो अब कंप्यूटर स्टार्टिंग में, आजकल तो आपने देखा ही है कि छोटे छोटे कंप्यूटर लैपटॉप आ गए हैं, टच स्क्रीन के आ गए हैं, क्या शुरू से ऐसे ही बने थे? नहीं। तो क्या होता है, धीरे धीरे एडवांस होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंसान के समय आदि मानव था, धीरे 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 वो डेवलप होता गया, आज मॉडर्न इंसान बन गया, मॉडर्न मैन बन गया। तो ये सब कैसे होता है, ये कैसे हुआ, एक दिन में हो गया? नो, ये जो बदलाव आते हैं दैट्स कॉल्ड द जनरेशन। ठीक है, नहीं है, हम कहते हैं ना कि दादाजी की सोच कुछ और थी, हमारी सोच कुछ और है, वो टाइम और था, ये टाइम और। तो ये जो प्रोग्रेस होती है इसे बोलते हैं हम जनरेशन, के ये क्या जनरेशन में चेंजेस आ रही है। तो हमारे पास कंप्यूटर को अब तक हमने इस बुक के हिसाब से हमने 6 जनरेशन में बांट दिया। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो कहीं पर आपके पास जनरेशन 5 भी लिखी होगी, 4 भी लिखी होगी, कुछ ईयर भी आगे पीछे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी जनरेशन के स्टार्ट होने की और एंड होने की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती। मेरी सोच कुछ और कहती है, दूसरे फिलोसफर की सोच कुछ और होती है। ठीक है, तो वो सब जरूरी मैच करेंगे। अब जैसे लाइक आज की तारीख में ये जो बीमारी चल रही है, अब कोई कहता है कि वो चीज खत्म होगी, ये नया है, कोई कह रहे नहीं ये उसी का एडवांस रूप है। तो सबके अपने अपनी सोच होती है, इसको हम कह सकते हैं। कोई कहेगा कि ये 19 में लास्ट में आया, कोई कहेगा ये 20 में लास्ट में आया। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है कंप्यूटर की, आपके पास फर्स्ट पेज पे, तो जनरेशन क्या है कि कंप्यूटर जो भी आप डेवलपिंग होगी स्टेज बाय स्टेज, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से लेकर 1950 के बीच में रही है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो हुई है वैक्यूम ट्यूब्स की। तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सामने जो पिक्चर दी हुई है, इसमें अलग अलग जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनको दिखाया गया है। साथ में बताया गया है आगे कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज ए मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब्स वर वाइडली यूज इन कंप्यूटर फ्रॉम 1940 थ्रू 1956। वैक्यूम ट्यूब्स वर लार्जेस्ट कंपोनेंट एंड रिजल्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बीइंग इक्विप्ड लार्ज साइज। अब जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब होती थी डाटा स्टोर करने के लिए, फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। लेकिन जैसे आपको बताओ ना, पहले आजकल हमारे पास एलईडी बल्ब आ गए हैं, पहले हमारे पास दूसरे नॉर्मल बल्ब हुआ करते थे, वो जल्दी फ्यूज हो जाते थे क्योंकि उनमें वायर से लगे होते थे, गर्म होने के बाद वो टूट जाते थे, तो उनकी हीट ही बहुत होती थी, वो बिजली भी ज्यादा खाते थे। तो ये जो चीजें हैं ये भी आज हमारे पास वो पहले वाला बल्ब देखने को बहुत कम मिलता है, कोई बहुत ज्यादा ओल्ड गांव वगैरह मिल गया ठीक है, वरना सब में एलईडी बल्ब चल रही है।
तो ये सब जो होते हैं ये चेंजेस आ जाती है। तो क्योंकि वो चीजें जो एलईडी बल्ब है वो कम खराब होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब थे वो भी एक तरह से उसमें भी लाइट वगैरह जलती रहती थी, तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। अब हीट कब प्रोड्यूस होगी? अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा बिजली खाएंगे वो लोग। ज्यादा बिजली खाने के लिए क्या होगा, फिर उनको नजदीक लगाएंगे तो आपस में पिघल जाएंगे, तो क्या थोड़ा दूर दूर लगाना पड़ता था। उससे क्या था, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर, मैं आपको पहले यह बता दूं, कंप्यूटर का मतलब सीपीयू होता है ये हिस्सा, डिस्प्ले अलग चीज है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस अलग चीज है। तो उस समय जो है कंप्यूटर का जो साइज था वो एक कमरे के बराबर हुआ करता था। अब इतना बड़ा सीपीयू किसी पर्सन के लिए कैरी करना आसान था नहीं, तो इसे बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हायर करना शुरू किया था या रखना शुरू किया था। और इसमें जो लैंग्वेज थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। आप लोग वो लैंग्वेज समझते हैं जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं समझते हैं मशीन लैंग्वेज, जो मशीनी कोड होते हैं। हर एक चीज में मशीनी कोड चल रहा होता है, तो मशीनी कोड को आम पर्सन के लिए समझना आसान नहीं होता, उसे सिर्फ इंजीनियर ही देख सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है द ENIAC इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था ENIAC। तो यहां पर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है लाइन सीधी लिखी होगी। अब ENIAC की फुल फॉर्म भी अगर यहां पर हो सकता है यहां पर दी हो, फुल फॉर्म के सेक्शन में ना दी हो, तो अगर आपको कोई फुल फॉर्म मिलती है कहीं पर भी उसे भी आप अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में आगे बाद क्या आगे, ट्रांजिस्टर्स आगे। तो जहां पर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब लग रहे थे उस जगह पे हम लोग क्या लगाने लगे, ट्रांजिस्टर। अब उससे क्या है, ट्रांजिस्टर हीट इतने नहीं होते थे, साइज कम घेर रहे थे, तो जब साइज कम घेरे जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी लिखा हुआ है। थर्ड में क्या हुआ था, आईसी डेल को हुआ था। आईसी किसने बनाया था इस बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हो अंडरलाइन कर लेना, ठीक नहीं है, किस तरह के आईसी होते हैं। फोर्थ जनरेशन में सीपीयू इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू इंट्रोड्यूस इन डैश जनरेशन, तो आपने क्या करना है, वहां पर ऑप्शन दी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमें याद रहना चाहिए कि कौन से जनरेशन में सीपीयू इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने किया था, ये चीजें मेन होती है, किसने डेवलप किया था, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर कौन था। फिफ्थ जनरेशन जो है जो अभी चल रही है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, इसमें क्या होगा, आपके पास में हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ गए, जैसे मोबाइल आजकल स्मार्टफोन हो गए हैं, ये प्रेजेंट में ही है, अभी चल रहा है टाइम ये, ठीक है, नहीं है, स्मार्टफोन हो गए हैं आपके पास, स्मार्टफोन आल्सो है मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट है, ठीक है, नहीं है, कंप्यूटर डिवाइसेस बोल सकते हैं इनको हम, जो कंप्यूटर कर रहा है वही ये कर रहा है। उसके बाद लैपटॉप्स हो गए, टच स्क्रीन के कंप्यूटर्स हो गए, ये सब क्या है आपके पास जो चल रहे हैं, इसे कहते हैं हम अपनी फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, नहीं है, नोटपैड हो गया या नोटबुक हो गया आपका पास, ठीक है, ये चीजें। अब फ्यूचर जनरेशन यानी सिक्स्थ जनरेशन में क्या होगा, सिक्स्थ जनरेशन में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। रोबोट्स का मतलब ये नहीं होता, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, रोबोट का मतलब ये नहीं है जैसे वो रोबोट फिल्म में चिट्ठी वगैरह से बना दी हो, वो काट वो बना देता बंदा बन जाता है सेम। रोबोट्स एक मशीन होती है जिसको एक कमांड दी जाती है, जैसे कोका कोला कंपनी वगैरह में भी या किसी चीज में ब्रेड काटने वाली मशीन में भी क्या चलता है कि एक सेंसर डाल दिया जाता है कि जब इस पे इतना वेट आएगा तो ही ब्लेड ने नीचे कट करना है। अगर उस पे ब्लेड अगर उस पे वेट ज्यादा हो या कम होगा तो ब्लेड नीचे नहीं आएगी। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, ये बार बार करना तो नहीं पड़ता कि भाई ब्लेड नीचे आए, बटन दबाओ नीचे आए, नहीं ऐसा नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो वो ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक प्रोसेस लगातार होता रहता है, लाइक अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि बोतल वगैरह आती है उन पर कैप चलाना है कंपनी में, तो अगर बोतल होगी तो कैप ऊपर से आएगा, अगर बोतल नहीं होगी तो कैप नहीं आएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक रोबोटिक्स वर्क होते हैं। तो याद रखना रोबोटिक्स वो है जो आपके काम को इजी करने के लिए एक कमांड के थ्रू सीधा उस पर काम करते रहते हैं। अब जो प्रोसेस चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, जैसे हम उससे बातें भी कर सके। आजकल हम लोग पढ़ते हैं ना, चाइना वगैरह बना रहे हैं, जापान वगैरह बना रहे हैं रोबोटिक्स, जिससे हम उसमें फीलिंग्स भी हो, ये भी हो, ठीक है, उससे पता है क्या चीज गलत है क्या चीज वो ठीक है। डेट्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इन्हें कहा जाता है हमारे पास, ये सिक्स जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। कितनी कामयाब होती है, कब तक आती है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग इस बारे में थ्योरी नेट से उठाते हो कि सर वहां पर तो बोल रहा था कि फोर जनरेशन 2020 या 2021 तक है या 20 तक है, और आपने तो गलत कर दिया, मैं तो वहां से देख के लिखा था, तो ये बातें नहीं चलेगी। जो इस बुक्स में दिया हुआ है पेपर चेक इस हिसाब से होगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि सबकी थ्योरी अलग अलग है, राइट। अब मेजर कंपोनेंट्स बता दिए थे मैंने आपको, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं बता देना, सेंट्रल प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अब इसमें कहते हैं कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस बता दिए गए हैं, स्टोरेज स्पेस क्या होती है कंप्यूटर में, आपके पास जो भी फाइल आप सेव करते हो, आपके मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड होते हैं ना, मेमोरी कार्ड होते हैं वो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है वो स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोरेज यूनिट है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वगैरह होती है, आप फाइल बनाते हो कंप्यूटर पे, अगले दिन आगे उसे ओपन करते हो तो कहाँ रहती है, कंप्यूटर तो रात को बंद होगी, लाइट बंद होगी, तो कहाँ रहते हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहते हैं। तो जो डिवाइस आपको स्टोरेज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेज। लाइक ये दो तरह से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्ड डिस्क वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है हमेशा, मोबाइल के अंदर हमेशा रहती है, उसे इंटरनल स्टोरेज बोलेंगे हम लोग। एक्सटर्नल होती है इस तरह से, पेन ड्राइव होगी आपकी, मेमोरी कार्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। पेन ड्राइव होगी अपना, सीडी होगी, डीवीडी होगी, जिसमें हम लोग है ना जैसे दूसरी का ले जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल। तो प्रोसेसिंग के बारे में बता दिया। अब यहां पर आपको दिया गया है सीपीयू के कितने तरह के टाइप होते हैं, तो ये सीपीयू के नाम दिए गए हैं, उसके आगे एग्जांपल दी हुई है कि सिंगल प्रोसेसर की कितनी पावर होती है, तो ड्यूल हो गया यानी डबल हो गया, क्वाड हो गया यानी कि चार हो गए, ठीक है नहीं, हेक्सा छह हो गए। इस तरह से आपको बताया गया है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर की पावर होती है, तो हम बता सकते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर में आम प्रोसेसर के मुकाबले सिंगल प्रोसेसर के हिसाब से 8 प्रोसेसर के बराबर पावर होती है, राइट। आगे आ गया मेमोरी यूनिट, तो जो मैंने बताया आपको स्टोरेज के लिए, जो आपके पास जो डिवाइस आपके कंप्यूटर में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करते हो तो कहीं ना कहीं जगह घेरती है, कहीं ना कहीं स्टोर हुई होगी। आपने गाना डाला अपने मेमोरी कार्ड के अंदर, तो वो पूरे मेमोरी कार्ड की चिप तो इतनी सी है, तो उसके कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन के अंदर उसने जगह घेरी होगी, उस जगह को बोलते हैं हम मेमोरी यूनिट। उसके कौन बोलते हैं मेमोरी यूनिट, जिसका हम क्या नाम है, जो जगह घेरी गई उसे बोलते हैं मेमोरी लोकेशन, जो भी उसकी लोकेशन होगी। हर डिवाइस की हर चीज की एक जो होती है आईडी, वर्चुअल आईडी अलग होती है, ठीक है। तो कहते हैं मेमोरी यूनिट के साथ होता है इसमें सीपीयू के अंदर जो पार्ट होते हैं वो होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है आपके पूरे डिवाइस को कंट्रोल करना। आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो प्रिंटर अपने आप नहीं चलने लग जाता, माउस अपने आप काम नहीं करने लग जाता, तो सीपीयू के अंदर एक यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है डिवाइसेस को कंट्रोल करके रखना। आपने प्रोग्राम कौन सा खोला, एमएस वर्ड, तो कभी ऐसा हुआ एमएस वर्ड खोला हो एक्सेल खोल गया हो, नहीं, तो उस ये कौन सा डिवाइस काम, कौन सा यूनिट काम करता है सीपीयू का, कंट्रोल यूनिट, इसी के ऊपर काम करता है कि जो कमांड्स आ रही है सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट करे, बाकी को ना होने दे, ठीक है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है, आपकी प्रोग्राम को एक आपकी फाइल कहाँ रखी है इसकी मेमोरी को याद रखता है कि कल को आपको फाइल ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक बात मैं आपको बताऊं यहां पर कि कंप्यूटर जो होता है एक कंप्यूटर मशीन है, यानी कि गिनती करने वाली मशीन है। आपके पास जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आपके पास या तो आता है ट्रू या आता है फॉल्स। इसको हम 1 0 यानी कि या 0 1 भी बोल सकते हैं,
01 जो होती है ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, और बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अवर स्पोकन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश पंजाबी हिंदी, कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर को ना इंग्लिश समझ आती है ना हिंदी पंजाबी समझ आती है, ये सिर्फ हमें कोड होके डिकोड होके हमें डाटा नजर आता है इसलिए हम लोग बोलते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0101 समझ आता है ये कोड। अभी इस कोर्स के ऊपर सारा काम चलता है, अभी इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने बताइए ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, क्या ये हमें नहीं पता लगता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ये मैंने लिखा तो पता लग गया क्या लिखा, अब हमें ये समझ आता है और ये नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर लगे कंप्यूटर क्या ये नहीं समझ आता, कंप्यूटर क्या समझ आता है ये। तो सीपीयू का जो काम होता है वो हमारी तरफ से जो हमें लोग इनपुट करते हैं जो करंट उसके पास जाता है जो पोर्ट जाते हैं वो उसको डिकोड करके हमें डिस्प्ले देता है, ये होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में। जितने हमारे प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं ताकि यूजर उनको यूज कर सके, समझ गए। उसके बाद हमारे पास या फिर हम लोग जितने भी करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये जो होते हैं कोड जो होते हैं ये मैथमेटिकल में होते हैं, ये प्लस होंगे माइनस होंगे जो भी है, तो हमारे पास दैट्स कॉल्ड द ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस बता दिए गए हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पीड अच्छी है कंप्यूटर की, जितनी तेजी से ये काम करता है आम पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है नहीं है। तो उसके बाद एक्यूरेसी लेवल, अगर मैं आपसे कैलकुलेशन करने के लिए कहूं तो अगर हम हाथ से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, कंप्यूटर में से इनपुट करने की जरूरत होती है, एंटर मारते हैं आउटपुट आती है, ठीक है नहीं है। फिर आप चाहे 10 कंप्यूटर लो 10 के अंदर आंसर एक ही आएगा, यहां पर मैं 10 बच्चों को कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दूं तो जाहिर सी बात है टाइम भी अलग अलग लगेगा सबको और आंसर भी तकरीबन अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एक्यूरेसी लेवल। रियली डिजिट्स क्या होता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को अगर आप सही तरह यूज करते हो तो वो थकती नहीं, मशीन नहीं थकती, इंसान थक जाता काम करता करता, ठीक है। वर्सेटाइलिटी, वर्सेटाइलिटी मतलब होता है कि हर एक पर्सन वर्सेटाइल नहीं होता। अब जैसे लाइक एक टाइम पे मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपसे, उसी समय उसी मुंह से मैं गाने नहीं सुना सकता या कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर एक टाइम पे आपकी फाइल भी कॉपी कर रहा है, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड भी कर रहा है, गाने भी चल रहे हैं, आपने पीछे ड्राइंग बनाई है उसका प्रिंट भी निकल रहे हैं, ठीक है, और नई फाइल बन भी रही है, तो मल्टी टास्क करता है, वर्सेटाइलिटी होती है, ठीक है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, आपको नहीं याद है कि आपने पिछले हफ्ते इसी दिन क्या खाया था, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि इस तारीख में आपने कितनी फाइलें बनाई थी, तो उसकी पावर मेमोरी की बहुत ज्यादा है। नो IQ, आप उससे जैसे भी काम करवा रहे हो आप इसको एडवांटेज बोल सकते हो डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि इसका अपना IQ नहीं होता, आपने जिस तरह से प्रोग्राम बनाया उसने उसी तरह से आपको आउटपुट दे देनी है, अगर आप गलत बता रहे हो गलत कमांड दे रहे हो तो वो प्रोसेस नहीं करता, तो ये तो नहीं कहता आपको कि ये आप गलत कर रहे हो यहां पर ऐसे नहीं ऐसे क्लिक करो, दैट्स कॉल्ड नो IQ, उसका खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है। नो फीलिंग, अब जैसे आपको पता है जो क्रिमिनल टाइप के पर्सन है वो टाइमर बॉम्ब या कुछ इंस्टा वगैरह पे आ रहे हैं वो भी लगातार रिकॉर्ड करते रहना। मॉनिटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये एक तरह से टीवी की टाइप आपको नजर आता है जैसे आपके घर में टेलीविजन होता है उस तरह से, आजकल पहले वो बड़े बड़े बॉक्स होते थे, आजकल LED आ गई है, स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्ट टीवी आपके पास छोटा कंप्यूटर की टाइप ही होता है कि उसमें आप यूट्यूब वगैरह एप्लीकेशन वगैरह चला सकते हो, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन चला लेते हो, तो ये सब जो होते हैं ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास LCD, LED, OLED ये सारे दिए गए हैं, तो इनकी फुल फॉर्म भी दी गई है किसने बनाया है क्या चीज़ होती है ये पढ़ लेना। आगे हमारे पास मॉनिटर के बाद आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। प्रिंटर आपके पास जो आपके पास सामने ये बुक्स आई हुई है ये क्या है, जो आपके पास वर्चुअल आउटपुट होती है यानी कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर आती है
अगर आप उसको किसी पेपर के ऊपर उतारना चाहते हो तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करोगे? प्रिंटर डिवाइस का, ठीक है? नहीं है, यहाँ पर सेंटर में प्रिंटर लगे हुए हैं, आपको पता है कि उससे ये आपके आप आउटपुट आपके पास आएगी, ठीक है? दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट प्लस रिबन्स या कोई कॉन्टैक्ट सीधा डायरेक्ट हो रहा हो, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कोई डिवाइस जुड़ जाता है। जैसे कि डॉट एटम मैट्रिक्स प्रिंटर होता है हमारे पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हेड, रिबन और पेपर तीनों आपस में अटैच होते हैं। उसके बाद आपका क्या आकर, अगर आपको इन चीजों के बारे में कोई डिटेल चाहिए होती है तो आप गूगल यूट्यूब वगैरह में सर्चिंग भी कर सकते हो, ठीक है? नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आपके सेंटर पे भी आपके पास नेट सभी कंप्यूटर चलता है ना, ये तो है नहीं कोई एक दो कंप्यूटर चल रहा है। तो इन सब बातों का इसीलिए दिया जाता है कि आप एक्स्ट्रा चीजें के इस्तेमाल से, आप मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, बेनिफिट है आप उससे कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हमारे पास आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो प्रिंटर होते हैं जिसमें कोई भी चीज जैसे रिबन वगैरह इम्पैक्ट में यूज हो रहा है, डायरेक्ट यूज नहीं होता, कॉन्टेक्ट लेस होता है, जैसे पॉटरी हमारे पास लेजर प्रिंटर वगैरह जो होगी, ठीक है, हेड के ऊपर डायरेक्ट नहीं अटैच करते ये लोग, तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके प्रिंटर के टाइप दिए हैं 3D प्रिंटर, आजकल आपने देखा ना टीवी वगैरह पे, आप मूवीज में देखते हो कि वो फेस बना देते हैं, ठीक है? नहीं है, उस प्रिंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? 3D प्रिंटर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? नहीं है, AIO प्रिंटर्स, इसे हम ऑल इन वन प्रिंटर बोलते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर मतलब इसमें स्कैनर भी बीच में होता है, प्रिंटर भी होता है, फैक्स मशीन बीच में होती है, फोटोस्टेट भी की जाती है जिससे, तो ये ऑल इन वन प्रिंटर होता है। AIO का मतलब होता है ऑल इन वन, ठीक है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बता दिया मैंने आपको, इंकजेट प्रिंटर, ये कलर प्रिंटर जो होते हैं जिनमें लिक्विड इंक डली होती है, जिनमें लिक्विड इंक डली होती है, तो इसे बोलते हैं हम इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो आपके कंप्यूटर सेंटर पर भी लगे हुए हैं, इसे पाउडरिंग, इसके अंदर जो है इंक नहीं डलती, पाउडर डलता है, तो वो हीट के साथ चिपक जाता है पेपर के ऊपर, उसे बोलते हैं हम लेजर प्रिंटर। प्लॉटर्स, प्लॉटर होते हैं हमारे पास जो बड़े बड़े ग्राफिक्स को, जिस वेक्टर ग्राफिक्स जैसे हम फ्लैश मशीन बनाते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह छापते हैं, इन्हें बोलते हैं प्लॉटर्स। उसके बाद हमारे पास आता है थर्मल प्रिंटर, जो आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो ना तो एक बिल टाइप काट के दिया जाता है आपको, या बिजली के बिल आते हैं आपके पास, ठीक है? तो ये जो आपके पास बड़े बड़े बिजली के बिल वगैरह आते हैं, या अपने पास जब मॉल वगैरह में जाते हो एक छोटा सा बड़ा एक निकाल के, वो हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है? हेडफोन मैंने आपको बताया, माइक क्या है इनपुट और हेडफोन क्या है आउटपुट। प्रोजेक्टर, आपने देखा प्रोजेक्टर क्या होता है, स्कूल वगैरह के अंदर भी है, बड़ी सारी स्क्रीन बन जाती है एक पर्दे के ऊपर, ठीक है? ये उसे बोलते हैं हम प्रोजेक्टर। GPS, GPS आउटपुट है, ये आपकी ग्लोबल लोकेशन बताता है कि आप इस समय कहां पर ट्रेवल हो, कहां पर खड़े हो, ठीक है? ये GPS सेटिंग करता है मोबाइल के, उससे पता चलता है कि आपका मोबाइल कहां पर है इस समय, इसे GPS बोल जाता है। मेमोरी बता रहा है कि मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? स्टोरेज भी जैसे हो गया, दो स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी वो होती है जो फर्स्ट राउंड में काम कर रही होती है, सेकेंडरी वो है उसके बाद ये चीज काम होगी। तो हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी के जो डिवाइस है वो होते हैं रैम एंड रोम। कंप्यूटर में रैम और रोम जो होती है वो सबसे जरूरी होती है। रोम आपके मोबाइल में भी होती है, आप जैसे मोबाइल में गेम खेलते हो ना, मैं कहता हूँ मेरे पास 4GB की रैम है, 8GB रैम वाला मोबाइल है। रैम होती है आपके कंप्यूटर की स्पीड को बूस्टअप करने के लिए, जिससे वो हैंगिंग कम रहे, कोई आप हैवी ड्यूटी गेम्स खेल रहे हो तो वो एक्सेस हो सके। रोम होती है उसकी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? नहीं है, तो कंप्यूटर में भी रैम और रोम दोनों काम करती है। एक बात याद रखिए, रैम एक फ्लैश मेमोरी होती है, जब तक आपने कोई एप्लीकेशन खोली तो वो इस्तेमाल हो रही है, एप्लीकेशन बंद हुई वो फ्री होगी, ठीक है? नहीं है, आप देखते हो कि कुछ हम गेम्स वगैरह हैवी ड्यूटी गेम्स खेलते हैं तो मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाता है, हम लोग कहते हैं क्योंकि वो ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो रैम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है,
तो इसलिए होता है। लेकिन रोम में क्या होता है, रोम होती है उसकी स्टोरेज डिवाइस जगह, तो रोम में डाटा फ्लैश की तरह नहीं होता। आपका मोबाइल चल रहा है, स्विच ऑफ हो गया, दोबारा ऑन हुआ तो क्या कॉन्टेक्ट उड़ जाते हैं? नहीं। मेमोरी उसके फोटो डिलीट होगी? नहीं, वो तब तक नहीं होगी जब तक आप नहीं करते। मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी जो रोम होती है उसमें आपके सारे कंपोनेंट्स के सारे कोडिंग वगैरह डाली होती है, तो रोम को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि लाइट आए जाए इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जबकि जो आपकी रैम होती है वो एक तरह से फ्रेश मेमोरी होती है, जैसे ही आपकी क्या नाम है वो लाइट गई या आपने पावर ऑफ की, वो फिर से फ्री हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन करते हो तो वो स्टोर होया होता है रोम में, पर वो चलता किसके अंदर है? रैम के अंदर, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है, उसके अंदर जहां आपने उसे बंद किया तो वो बंद हो जाती है। सेकेंडरी यूनिट्स वो होती है हमारे पास जिसमें बाद में आप फाइल को सेव करते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी। अब आगे बता रहा है कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी कुछ भी लिखते हो, लाइक आपने लिखा RCCI, ये लिख के एक फाइल सेव की, तो इसने कहीं ना कहीं जगह घेरी होगी ना, ठीक है। तो कंप्यूटर में जैसे हम लोग वजन तोलते हैं, वजन तोलने की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं ग्राम, ठीक है, और 10 ग्राम का बोलते हैं तोला, ठीक है, तो 250 ग्राम का बोलते हैं पाइया, ये इस तरह से मान करते हैं ना। 500 ग्राम क्या बोलते हैं? आधा किलो। 1000 ग्राम को 1 किलो। उसी तरह से जब कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखते हो तो वो जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको साइज नापने के लिए सबसे पहले होती है हमारे पास सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं हम बिट। 1 bit इज इक्वल टू 1 character। जैसे आपने कोई भी कैरेक्टर एस डी एफ क्या कुछ भी लिखा, ठीक है, नहीं है, उसने जगह घेरी, उसे क्या बोलेंगे हम? बिट। ठीक है, उसे बोला हमने बिट। अब इसी तरह से 4 bit बनाते हैं 1 nibble, 2 nibble या 8 bits क्या बनाते हैं? 1 byte। जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 ग्राम क्या बनेगा? एक तोला। इसी तरह से 8 bit यानी 8 character क्या बनेगा? 1 byte। और उसके बाद 1024 byte का क्या बनता है? 1 kilobyte। तो यहां पर यह याद रखने वाली बात है कि इसमें 1000 पुराने होते हैं, इसमें 1024 होता है। तो एक तरह से ये आगे चलता रहता है, साइड में दिया हुआ है कि 1024 किलोबाइट इज 1 megabyte। इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो MB होती है मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, इसमें अब जो है वो रैम की मेमोरी एलोकेट होती है। मेरे मोबाइल में 512 MB की रैम है, कंप्यूटर में 512 MB रैम है, वगैरह वगैरह। ये जो MB होती है ये है, पहले ये हार्ड डिस्क वगैरह भी हुआ करती थी डाटा स्टोरेज में, लेकिन अब क्या है ये सब रैम में रहेगी। उसके बाद गीगाबाइट्स होगी, 1024 megabytes क्या बनाती है? गीगाबाइट्स। आपकी रैम और हार्ड डिस्क गीगाबाइट्स में आती है, GB। कहते हैं ना मेरे मोबाइल में 32 GB मेमोरी है, मेरे पास 32 GB मेमोरी कार्ड है, तो ये क्या होता है? आपके डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। आजकल जो हार्ड डिस्क आ गई हैं वो TB में आती है, टेराबाइट्स में आती है, डाटा ज़्यादा स्टोरेज करती है। टेराबाइट की क्या बात आती है? पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद EB, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, और सबसे बड़ा जो इस बार है जो चल रहा है वो हमारे पास 1 GB। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ओके, सबसे छोटा कौन सा है, किस तरह बनता है। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए तीन तरह के वेयर होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर वो होता है जो उस चीज को इस्तेमाल करता है, यूजर, और हार्डवेयर होते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट्स। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी हमारे पास, मैं चलाने वाला हूँ कंप्यूटर, चल जाएगा? कंप्यूटर चलेगा कहाँ पर? है ही नहीं।
तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर, और चलाने वाला पर्सन ह्यूमनवेयर। लेकिन आपके पास मोबाइल तो है पर वो ऑन नहीं हो रहा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें व्हाट्सएप नहीं है, कॉलिंग नहीं है, कुछ नहीं चल रहा, तो कुछ फायदा उसका, उसे हम डेड बोल देते हैं। इसी तरह से जब तक आपके पास कंप्यूटर तो है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? वो सिस्टम जो उस मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास फोन है एंड्रॉयड के, गूगल, तो एंड्रॉयड क्या हुआ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिनके पास आईफोन है उनका जो आईफोन है उसके अंदर जो मैक ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे क्या कहेंगे, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कंप्यूटर चलाते हो उसमें विंडोज है, विंडोज 10, 11, अब तो 11 आ गई है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट्स कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट्स कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप अकाउंट्स कर रहे हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करो कंप्यूटर में, टैली, बीजी, ये जी एक्सेल, तो ये क्या है हमारे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एमएस एक्सेल के अंदर विजिटिंग कार्ड बनते हैं, ड्राइंग बनती है, नहीं, उसके लिए क्या है हमारे पास, फोटोशॉप कोलोर, तो फोटोशॉप कोलोर किसके लिए, अकाउंट लिखने के लिए, नहीं, डिजाइनिंग के लिए, तो एक पर्टिकुलर किसी काम के लिए बने ना, तो उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो चीज एप्लीकेशन तैयार की जाती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीजें पता लगी आपको, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सिंपल सी बात है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं काम कर सकता और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करता, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर आपस में जोड़ना। आपने सुना होगा ना नेटवर्किंग मार्केटिंग मार्केट है हमारे पास, नेटवर्किंग मार्केट में काम करते हैं, उसका काम क्या है, एक को दूसरे से जोड़ना, उसे नेटवर्किंग कहा जाता है। कंप्यूटर यहां पर आपने देखा है एक ही सीपीयू के साथ सारे जुड़े हुए हैं, फाइल आपकी यहां पर होती है वहां पर भी खुल जाती है, तो ये किसी तार के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू वाईफाई के थ्रू जुड़े हुए ना, आपका आपके रिश्तेदार कनाडा में बैठे हुए हैं, आप उनके साथ वीडियो चैट करते हो तो वो तो वहां पर है, आप यहां पर हो, मोबाइल से बात हो रही है, तो ये किसी नेटवर्क से जुड़े हैं ना आपस में, तो इस जुड़ने को बोलते हैं हम नेटवर्क, कंप्यूटर को जोड़ने को बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके लिए हमारे पास ये अलग अलग सेक्शन होते हैं, लैन, पैन, वैन और वैन। तो इसमें हमारे पास दो तरह से होते हैं, इंट्रा और इंटर। इंटर का मतलब होता है एक दायरे से बाहर, देखने में थोड़ा सा अटपट सा लगता है ये, कि इंट्रा का मतलब होता है दायरे के अंदर अंदर और इंटर का मतलब होता है दायरे से बाहर। तो ये जो है हमारे पास जैसे इंटरनेट का है, जब हमने इस सेंटर के अंदर कंप्यूटर अपने में जोड़ते हैं तो नेट चले या ना चले, कंप्यूटर जुड़े हुए ना, तो इसे बोलते हैं हम इंट्रानेट नेटवर्किंग। और अगर आपने यहां बैठे बैठे आपने दूसरे सेंटर का कंप्यूटर जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, वो भी इंटरनेट पर जुड़ा होना चाहिए हमारा भी, तो हम आपस में अपने आईपी क्रॉस करके जोड़ते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आगे आ गया टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर ड्यूल कोर हो गया, i3 हो गया, नहीं, ये सीपीयू टाइप है। कंप्यूटर के जो टाइप होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल का लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होते हैं जैसे आप लोगों ने देखा हो मूवीज वगैरह के अंदर दिखाया जाता है कि वो किसी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं कंप्यूटर हैक करने के लिए, बड़े बड़े कंप्यूटर देखे आप लोगों ने मूवीज में, सो वेस्ट वगैरह अपना वेस्टर्न की अपने मूवीज वगैरह जो आती है अपने हॉलीवुड वगैरह की, उसमें भी काफी दिखाया जाता है हैकिंग वगैरह को दिखाते हैं। तो वो जो होते हैं सारे जो कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर एक सीपीयू नहीं होता, मल्टीपल सीपीयू एक फ्रेम में लगाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उनको सारे कंप्यूटर उनके साथ जोड़े जाते हैं, डाटा स्टोरेज हो रहा होता है, पूरी बिल्डिंग का डाटा एक जगह पे स्टोर हो रहा होता है, पूरे ऑफिस का डाटा एक जगह हो रहा है, उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी सेम है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर है कि आपके पास एक वो सर्वर बन गया और बाकी सारे उसके क्लाइंट बन गए, तो ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं।
सुपर कंप्यूटर जिनसे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन करते हैं वह आम कंप्यूटर में कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। यह मल्टीपल सीपीयू को अपने अंदर जोड़ के काम करता है, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। बहुत सारे देश अभी भी ऐसे होंगे जिनके पास सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। हमारे पास पहला इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था वो पर्म था। तो ये बातें याद रखना, इसमें लिखा भी होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है। अर्थक्वेक आते हैं, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग करते हैं, या नासा वगैरह जो यूज करती है, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं ये डिवाइसेस, ये जो लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल आपस में जोड़ने के लिए क्या, जैसे कहते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब क्या है? हवाई जहाज को लाने और रखने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास अभी पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव लगाने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना सीपीयू के अंदर। उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? पोर्ट कहते ना, ये मेरे मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट है। ठीक नहीं है। तो ये पोर्ट का है, पोर्ट होता है वो चीज आपकी। आगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जैसे कहते हैं परिवार में एक माँ होती है जो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, उसका अपना काम कितना होता है ये उसको पता है। अब आपके कंप्यूटर में मॉनिटर कहाँ अटैच होता है? सीपीयू के पीछे। कीबोर्ड कहाँ अटैच होता है? सीपीयू के पीछे। स्पीकर वगैरह कहाँ अटैच हो रहे हैं? इसके ऊपर। ठीक है। ये सीपीयू कहाँ लगा है? आपके रैम कहाँ लगी हुई है? ये तो जिस सॉकेट के अंदर ये सब लगते हैं, ये जो सॉकेट होती है, ठीक है, ये जो होती है, इस सॉकेट को हम बोलते हैं मदर बोर्ड। सारे कंपोनेंट्स जो है हार्डवेयर के इसके साथ अटैच किए जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है पॉपुलर मैन्युफैक्चरर कंपनीज कौन कौन सी है। बहुत सारी कंपनी आजकल मदरबोर्ड बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। मैन है, इंटेल, असूस, बायोस्टार, गीगाबाइट, एमएसआई, जिब्रोनिक्स, ठीक है ना, सेम्प्रोनिक्स हो गई है, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग रीड आउट कर सकते हो, नेट से सर्च कर सकते हो। आंसर तो हमने वही देना है जो उसमें दिया होगा। आपसे क्वेश्चन क्या जाएगा, वाइवा के अंदर कोई चार मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम बताओ, तो जो भी आपको याद आती है मौके पे आओ वो बोल देना। ठीक है। आगे लैपटॉप बता दिया मैंने आपको। लैपटॉप कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, आपका डिस्प्ले, आपके कीबोर्ड, आपका माउस, वो सारा एक ही अंदर, एक ही बॉडी के अंदर सेट किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लैपटॉप। क्या है ना, देखिए पाम टॉप होता है जो हथेली पर रख के चला जाते हैं, आपने देखा जो बिजली का बिल काटने आते हैं वो अपने हाथ में डिवाइस रखते हैं, वो पाम टॉप होता है। ठीक है। नहीं है लैप का मतलब होता है आपकी जांग, आप इसके ऊपर रख के लैपटॉप को यूज करते हो, दैट इज द लैपटॉप। और सीपीयू को हम लोग डेस्क के ऊपर रखते हैं, उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ठीक है। आ गया डिफरेंस बता रहे कंप्यूटर के अंदर, मैंने आपको डेस्कटॉप भी बता दिया, लैपटॉप भी। सर्वर, सर्वर के बारे में बता चुका हूँ, जो आपको डाटा प्रोवाइड करता है डेट इज द सर्वर, और जो यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम क्लाइंट। ठीक है। पीसी और मैक, आमतौर पे हम कहते हैं कि पीसी और मैक क्या है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन पीसी को हम लोग इसका टाइप डिस्क्राइब करते हैं, इसमें विंडोज चलती है, और मैक कौन सी कंपनी का है? एप्पल का। ठीक है। नहीं है। तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा खुद ही डेवलप करती है, सोलो प्रोपराइटर है, तो उसका जो है उसको मैक बोला जाता है। और आमतौर पर जो आप लैपटॉप यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो, आप कहते हो ये मेरा अपना कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, तो उसमें हम ज्यादातर जो है वो विंडोज यूज करते हैं। फर्स्ट पीसी जो बनाया गया था वो आईबीएम ने एक आम यूजर के लिए बनाया था, ठीक है, 1981 में। और एप्पल ने कब बनाया था? 1984 में। ये लाइनें मेन होती है, इनको हाईलाइट करते चलना। अब कैरेक्टरिस्टिक को कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक फायदा क्या है आपको पता ही है। अगर बाई चांस वो बंद ना हो, इसे बंद करके दोबारा ऑन कर लेते हैं, तब भी फाइल वहीं पर पड़ी रहती है। देखिए ना, आपका डाटा यहाँ स्टोर होता रहता है, वहां से एक्सेस करना आसान है। ठीक है। फायदा यह है, आज इसमें बैठ गए कल को उसमें बैठ गए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये होते हैं हमारे पास, एक ही प्रिंटर सब पे अटैच हो जाता है, जहां से मर्जी ऑपरेट कर लो। ठीक है। नहीं है, एक ही जगह से आप अपने सीडी राइट वगैरह कर रहे हो, डिवाइस एक ही है। तो ये होती है इसकी नेटवर्क की विशेषताएं। कंपनी में आप देखा होगा कि जो आप लोग में जो ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, सबके अलग अलग कंप्यूटर रखे होते हैं, प्रिंटर एक ही जगह रखा होता है, आप इधर से कमांड देते हो, उधर से प्रिंटर उठा के प्रिंट उठा जाते हो,
कि प्रिंटर ये नहीं है कि सबको अलग अलग देना पड़ेगा, एक ही प्रिंटर सबसे अटैच हो जाता है। इसको चलाने के लिए आपको नेटवर्क स्विच की जरूरत होती है, जो ये स्विच लगे हैं जिनमें तार लगी होती है, नेटवर्क स्विच होते हैं, ठीक है, नहीं वायर होगी, आपको नेट के कनेक्शन हो गया, लैंड कार्ड हो गए जिनसे ये तारें जुड़ती हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद यूएसबी, ये जो होती है पोर्ट्स, ये यूएसबी का पोर्ट होता है, ठीक है, नहीं है आपके पास अलग से मिल जाते हैं यूएसबी, पेन ड्राइव वगैरह भी होती है। पासवर्ड क्या होता है, किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए एक कोड जो जनरेट आपने किया हुआ है कि जिसको ऑथराइज पर्सन ही खोल सके, उसे कहते हैं हम पासवर्ड। जैसे आपका एटीएम का कोड होता है, आपके मोबाइल का होता है, ये थोड़ी कोई भी खोल लेगा, ठीक है। बाइनरी मैंने आपको बता दी है, प्रोग्राम कमांड बिट, बिट बता दी ना, प्रोग्राम कमांड क्या होती है, किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपने फाइल सेव करनी है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल एस या फिर फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करते हो। जब तक सेव पे क्लिक नहीं करोगे तो क्या फाइल सेव हो जाएगी, नहीं। तो ये एक हमारे एक कोड दे दिया गया, एक कमांड दे दी गई है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर जो वर्ड दिया गया उसे बोलते हैं हम कमांड। दो तरह की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो कमांड कभी भी यूज हो जाए उसे बोलते हैं इंटरनल कमांड। अब लाइक प्रिंटर की कमांड है कंट्रोल प्लस पी या प्रिंट की कमांड, तब तक नहीं चलेगी जब तक प्रिंटर नहीं होगा, तो वर्क कब करेगी वो, प्रिंटर होने के बाद। तो कुछ कमांड्स ऐसी होती है जिनके साथ जब तक डिवाइस नहीं जुड़ेगा तब तक काम नहीं करेगी, और दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल कमांड्स। द ग्रुप ऑफ कमांड्स, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड ए प्रोग्राम। जैसे कि आपने फाइल में होम, इंसर्ट, लेआउट, ये सारी कमांड्स मिलके क्या बना रही है, एमएस वर्ड का एक प्रोग्राम, ठीक है। द ग्रुप ऑफ कमांड्स कॉल्ड ए प्रोग्राम। द ये भी हमारे पास प्रोग्राम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो हम वहीं पर कोई ड्राइंग वगैरह बनाते रहते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिनकी कोडिंग कहीं और होती है, रिजल्ट कहीं और मिलता है। जैसे कि फेसबुक, अभी फेसबुक ने क्या है अपना नाम चेंज किया, मेटा किया, सॉफ्टवेयर चेंज हुआ उनका, तो क्या आपने अपने मोबाइल में चेंज किया या आपने कुछ किया, नहीं आपने तो, आप तो यूज कर रहे हो, दैट कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। अब द ग्रुप ऑफ कमांड कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ कमांड कॉल्ड ए प्रोग्राम एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। जब जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये जुड़ के एक बनाते हैं सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर। जैसे कि ये क्या है, हमारे हैंड, हमारे आर्म्स, लेग्स, हेड, इस पूरे क्या बोलते हैं लोग, बॉडी। तो बॉडी नाम का तो कोई पार्ट नहीं है, उसी तरह से हमारे पास एमएस ऑफिस नाम का तो कोई भी प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, लेकिन इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर। समझिए बात को, दो सॉफ्टवेयर हमारे पास बता दिया मैंने आपको, दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझिए। आगे हमारे पास बिट बाइट वगैरह हो गई है, ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं, आप पढ़ लेना। मशीन लेवल लैंग्वेज बता दी मैंने आपको, हाई लेवल लैंग्वेज बता दी, और एक होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो हाई को कन्वर्ट, जैसे कि आप देखा ना जब हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी पर्सन चाइना वाला अगर इंडिया आया तो उसे चाइनीज आती है, उसे हिंदी नहीं आती, तो कैसे उसके बारे में पता लगता है क्या कह रहा है, वो एक ट्रांसलेटर उनके साथ खड़ा होता है, वो चाइनीज में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, वो हमें कन्वर्ट करके हमें हिंदी में बताता रहता है। तो कंप्यूटर में भी मशीन कंप्यूटर को जो यूजर इंटरफेस देगा वो देगा हाई लेवल में, तो हम जो उसे कमांड देते हैं उसे कन्वर्ट करता है वो मशीन में, और कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने करने के लिए क्या कहा, तो हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो रिजल्ट वो कैसे देगा कंप्यूटर, मशीन तो देते मशीन लैंग्वेज में, पर वो जो बीच की जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, जो इंटरप्रेटर हमारा होता है, कंपाइलर हमारा होता है, वो क्या करता है उसे कन्वर्ट करके हमें हाई लेवल लैंग्वेज में दे देता है, क्लियर। उसके बाद ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं, पढ़ लेना। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के कौन सा बेस है, सबसे लास्ट में पेज नंबर 16 में। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि इसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑक्टल नंबर, ठीक है,
इसका बेस होता है 8 और इसमें डिजिट होते हैं 0 से लेके 7 तक। डेसिमल जो आप आम गिनती यूज करते हो इसका बेस 10 होता है और इसमें हम लोग हैं। याद रखना बेस जो होता है वो इस तरह से भी आ सकता है आपको एग्जाम में, यहाँ पर डिजिट दिया होगा और नीचे ये अगर यहाँ पर 2 लगा होगा तो ये कौन सा है? बाइनरी। अगर यहाँ पर 8 लगा हुआ है तो क्या होगा? ये ऑक्टल। अगर ये 10 लगा होगा तो क्या होगा? ठीक है, हेक्साडेसिमल अपना डेसिमल। अच्छा डिजिट क्या है? अगर डिजिट दिया होगा 01 तो ये क्या है? बाइनरी। 10 दिया होगा तो क्या है? बाइनरी। लेकिन अगर इसमें कहा होगा कि फॉलोइंग इज द बाइनरी डिजिट और यहां पर दिया होगा 120 तो ये बाइनरी नहीं है, क्योंकि बाइनरी में 2 नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं है ये। अगर ये ऐसे होता 110 तो भी बाइनरी बन जाता, लेकिन 2 डिजिट, 2 नंबर का डिजिट नहीं आएगा क्योंकि इसका बेस 2 है पर डिजिट 0 और 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो डिजिट दिया हुआ है ये ऑक्टल है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में 8 नहीं आएगा। अगर ये ऐसे दिया होता 176 तो मैं कहता हूं ये डेसिमल है, तो ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। कौन कौन कह रहा है, हाथ खड़ा करें। ओके, देखो उसने बिल्कुल सही कहा कि ये फॉल्स है, पर मैं पूछता हूं क्यों? अरे भाई मैंने 10 लिखा, अगर ये ऑक्टल कहते हैं हम इसको, ये तब भी ठीक था, और ये डेसिमल कह रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि डेसिमल में भी 7 तो आएगा ही ना। तो ये बात ध्यान रखना कि कौन सी चीज पूछी जा रही है। ठीक है, दीपक सर कल्ला तो सीखा जिनने, क्या कोई नहीं। ओके, उसके बाद आपके पास आगे थ्योरी है, तो हार्डवेयर क्या होते हैं बता चुका हूं सारी बातें। विंडोज मैंने बताया आपको कि जो कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, ये जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इसी तरह से वर्ल्ड के 90% कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं? विंडोज पे। आजकल गूगल क्रोम का भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड वगैरह जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं है? तो आप देख सकते हो कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर अच्छा बात याद रखना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आए और विंडोज की बात आए, विंडोज किस कंपनी की है? माइक्रोसॉफ्ट की, चाहे वो कोई भी विंडो है। आप ये नहीं कह सकते हो लिनक्स विंडो जो है वो लिनक्स विंडो थोड़ी है, मैक विंडो, इसमें मैक विंडो हो जाएगी। कई बार हम लोग ये बोलते हैं मेरे लैपटॉप में मैक विंडो हो जाएगी, अरे मैक विंडो थोड़ी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो विंडोज किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की, और माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है, चेयरपर्सन कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में दिया गया है, बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले क्या चला रहे थे वो? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ब्लैक स्क्रीन पे काम करता, ग्राफिकल यूजर नहीं थे इसके, तो इन्होंने देख रहा था पहले ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, काले स्क्रीन के ऊपर कोड लिख लिख के काम होता था, तो उसको इन्होंने एडवांस रूप में कन्वर्ट किया, जिसको जिसका इन्होंने नाम क्या दिया? विंडोज, एमएस विंडोज, ठीक है। तो उसके बाद ये पहली विंडोज निकाली इन्होंने 95, उसके बाद इन्होंने 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, उसको कहते हैं कि इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ विंडोज डेट्स बैक टू 1981 व्हेन माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोग्राम कॉल्ड इंटरफेस मैनेजर। तो इन्होंने विंडोज से पहले किसके ऊपर काम किया था? इंटरफेस मैनेजर, यानी कि यूजर इंटरफेस। पहले यूजर इंटरफेस क्या था? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर, जिसमें सर आप लिख के ही काम कर सकते हो, कमांड दे दे काम कर सकते हो। तो ये यूजर इंटरफेस पे किस पे काम कर रहे थे कि ग्राफिकल आ जाए,
अगर आपने न्यू फाइल बनानी है तो आपको कोड लिखना ना पड़े, आप जस्ट न्यू पे क्लिक करो, वो कोड ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपको न्यू फाइल दे दे, ठीक है। तो इट वॉज अनाउंस इन नवंबर 1983 आफ्टर द एप्पल लिसा बट बिफोर द मैकमिलन। ले एप्पल ने अनाउंस करने के बाद ये अनाउंस हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से पहले हो गई थी, ठीक है। इट विंडो 1.10 वाज नॉट रिलीज अंटिल नवंबर 1985। 1985 से पहले कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी 1.0 रिलीज नहीं हो पाया था। ए विंडो कैन यूजली बी रिलाइज बाय द यूजर, ये थ्योरी आप इसमें साथ में रीड आउट कर लेना। विंडोज के कंसेप्ट के काफी फायदे है, स्क्रीन को छोटा कर देना, बड़ा कर देना, कमांड्स ऑटोमेटिकली लिखी होती है, आप ग्राफिकल तैयार कर सकते हो, आप उसमें पेंटिंग कर सकते हो, कैलकुलेट कैलसी वगैरह इस्तेमाल करना आसान है, ठीक है। ये डिस्क को क्लीन करना आसान हो जाता है, फोल्डर वगैरह तैयार करने आसान है सारे। तो इसमें बता रहा है कि पहले आपने जो पॉपुलर है उससे पहले विंडो 95, 1.0, 3.0 काफ़ी आई थी, पर अभी जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो, देखी भी होगी, उसमें से एक थी विंडो XP। ये XP की लुक है, जिसके घर में पुराने कंप्यूटर पड़े हैं या स्कूल वगैरह में लगे हुए हैं वहां पर विंडो XP शायद अभी पड़ी हो, ठीक है। उसके बाद विंडो कौन सी आई, विंडो 7। उसके बाद विंडो 7 में हमारे पास जो थी, उसके बाद हमारे पास विंडो 8 आई है, ठीक है। नहीं है इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये कब रिलीज हुई है और कब अनाउंस हुई है, कब ऑफिशियल लॉन्च हुई है, ठीक है। याद रखना कि अनाउंस की डेट अलग होती है और रिलीज डेट अलग अलग होती है, ठीक है। विंडो 8 के बाद विंडो 10 आई, और अब जो विंडो चल रही है आपके पास वो है विंडो 11। अगर आप किसी ने देखनी हो विंडो 11 तो आपके फर्स्ट कंप्यूटर में विंडो 11 चलती है, बाकी तो आपके पास यूट्यूब वगैरह भी है, आप उसकी लुक देख सकते हो, ठीक है। विंडोज से आपके सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर एडवांस होते रहते हैं, जैसे आपके पास छोटे मोबाइल है तो वो भी एंड्रॉयड ही, पर मैं कहता हूँ मैंने उसमें पबजी चलानी है, चलती है नहीं चलती, फिर हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर रैम कम है, स्टोरेज डिवाइस कम है, डिस्प्ले छोटी है वगैरह वगैरह, ये है ना, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाला नहीं है, तो हम ये बात समझते हैं ना। तो उसी तरह से जो डेवलपर जो है वो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो हमेशा लेटेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं, ताकि जो उनके एप्लीकेशन ज़्यादा देर तक मार्केट में रहे और उन्हें ज़्यादा अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो देख के चलते हैं कि इससे मार्केट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन से हम लोग यूज करते हैं, विंडोज का, ठीक है। वो कह ही रहा है इसका जो फीचर है, कहते हैं ए न्यू मोर मैक लाइक इंटरफेस, ये इसकी लुक किस तरह की है, जैसे कि एप्पल के मैक की है। तो आप ये कर लेना, आइकन्स क्या होते हैं, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ऊपर MS वर्ड का न्यू फोल्डर या कुछ भी जो बॉक्सेस बने होते हैं माय कंप्यूटर का, ये सब क्या होते हैं, आइकन्स। फोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर आपका आपने डी ड्राइव के अंदर जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग फोल्डर बने ना, जिसमें कहा जाता है कि वॉलपेपर कहाँ पर है, हम कहते हैं डी के अंदर HD वॉलपेपर का एक फोल्डर बना हुआ है, वो जो येलो कलर का बॉक्स बना होता है डेट कॉल्ड द फोल्डर, उसके अंदर फाइल रखी जाती है। फोल्डर का अपना कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक बॉक्स है, उसके अंदर जो रखा गया है डाटा उसे कहते हैं फाइल्स, ठीक नहीं है। आगे आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो मैं आपको बता दूं, MS वर्ड जो है इसके बारे में ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं है, आप क्लास टाइम में बताते रहेंगे, टीचर बता देंगे, सारे टीचर्स जितने भी आपको पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में सिर्फ जब आपने MS वर्ड की तैयारी करनी है, MS वर्ड खोला साथ में बुक खोल ली, जो बुक बता रही है वो आपने मैच करते रहना आपस में, ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है इनकी शॉर्टकट कीज को अच्छे से याद कर लेना, एग्ज़ाम में आएगी, करवा के देखनी जाएगी, वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हाइपरलिंक के शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस के, आपने कई बार प्रैक्टिस कर ली है, आप और प्रैक्टिस करना, इनको याद करना। रट्टे मारने से बेहतर है कि जब आप इसको अगर कर रहे हो तो कंप्यूटर खोल लो, इधर से सिर्फ पढ़ते रहो कि क्या करने के लिए बोल रहा है, और आप उधर करके दिखाते रहो, उससे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आपको,
ठीक है। उसके बाद एक्सेल की थ्योरी आ गई है, एक्सेल में कितने कॉलम कितनी शीट होती है, कितने रो होती है। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल 2007 के बाद जो ऑफिस 2010 के बाद जो एमएस ऑफिस आए हैं, चाहे वो 2013 है, 16 है, 19 है, अब 21 आ गया, इन सब में बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ओपन होती है। आप कितनी ले सकते हो, आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो शीट, शीट है तो नीचे शीट सबने सबने क्या होना है एमएस एक्सेल, ठीक है। लास्ट सेल का, लास्ट कॉलम का नाम क्या है, लास्ट सेल का नाम क्या है, ये सब आपको आपके टीचर बता भी देंगे और आप लोगों ने पूछने भी है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये पढ़ रहे हैं सारे शॉर्टकट की, ये है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो पीडी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ेंगे भी, पेपर में तो आएगा, आप सबको भी आ सकता है, लेकिन ये आपने जैसे जो आपको कहा गया वो पावर एक्सेल कराया जाएगा, तो पीडीए के स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखे, वो तब तक फिनिश नहीं माना जाएगा जब तक आपको ये चीजें नहीं आती, इनवाइस बनाना। तो एक्सेल आपको करा दिया गया है, आप ट्राई कीजिए, आप एक्सेल में इनवाइस बनाना सीखिए, नहीं अगर कोई दिक्कत है टीचर से कंफर्म कीजिए। एडवांस फंक्शन है, ये कुछ फंक्शन है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है, एक्सेल एक प्रोग्राम है, पावर पॉइंट एक्सेस एक प्रोग्राम है, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पावर पॉइंट जो आपके पेज आते हैं, इसमें एक चीज बात सोचने वाली है, एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसकी फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे बोलते हैं वर्क बुक, और एमएस पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। फाइल का नाम अलग अलग है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेल में वर्क बुक, और एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में जो जहां पर आप लिखते हो उसे बोलते हैं पेज, एमएस एक्सेल में जिसपे आप काम करते हो उसे बोलते हैं वर्कशीट, और पावर पॉइंट में आप इस पे काम करते हो उसे बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होते हैं, जब भी आप कोई फाइल, आपने सुना मेरे पास सॉन्ग है मोबाइल के अंदर, कौन से है, MP3 है, MP3 सॉन्ग कौन होते हैं, कौन से होते हैं, जिसमें गाने चलते हैं, ये जिसमें वीडियो दिखती है, नहीं, जिसमें सिर्फ ऑडियो आती है। MP4 कौन से होते हैं, तो हमें कैसे पता लगा क्या सॉन्ग का नाम MP4 होता है, नहीं, सॉन्ग का नाम तो आगे नाम होता है, जो भी डिजिट कुछ भी लगाओ पीछे लिखा होगा .mp4 तो ये कौन सा हो गया, वीडियो। अगर इसके पीछे लिखा होता है MP3 तो क्या होता है, ऑडियो। तो ये जो लास्ट के जो डिजिट होते हैं डॉट के बाद जो लगते हैं, दैट्स कॉल्ड द एक्सटेंशन। कोई भी प्रोग्राम होगा, चाहे वो एमएस वर्ड का है, आप देते नहीं हो, चाहे वो एक्सेल का है, चाहे वो टेली का है, चाहे वो कोल्ड्रा का है, फोटोशॉप का है, किसी का भी है, जब आप फाइल सेव करते हो तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली 3 डिजिट जुड़ जाते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है। लाइक हम लोग एक एक नाम लेते हैं, जैसे लाइक हमने लिया शिवानी, तो शिवानी के पीछे लग गया वर्मा, दूसरी शिवानी के पीछे लग गया शर्मा, तीसरी के पीछे लग गया अरोड़ा, तो ये क्या है, इसे हम जैसे सरनेम बोल देते हैं, ये होते हैं हमारे एक्सटेंशन। इससे पता लगता है कि सुनियारे हैं, पंडित है, खत्री है, क्या है। उसी तरह से जब अगर आपके पास एक फाइल है उसके पीछे .mp3 लग गया तो ये ऑडियो फाइल होगी, फाइल का नाम ABC है जस्ट। अगर ABC के पीछे .mp4 लग गया तो क्या हो गया, ये वीडियो फाइल। .docx लग गया तो क्या होगी, ये एमएस वर्ड की फाइल। .slsx लग गया तो क्या होगी, ये .cdr लग गया तो ये कौन सी होगी, कोल्ड्रा की फाइल। यानी के एक ही नाम की कई फाइल हो सकती है लेकिन एक्सटेंशन अलग अलग होगा, एक ही जगह पे भी हो सकती है, लेकिन अगर एक ही एक्सटेंशन के साथ एक ही नाम की दो फाइल नहीं बन सकती एक ही जगह पे, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है एक्सटेंशन के नाम और आगे दिए हुए हैं कौन कौन से है, आप गूगल वगैरह से और नए एक्सटेंशन भी ढूंढ सकते हो। व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होती है,
इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डाटा को जिसके थ्रू आप फोटोज डॉक्यूमेंट फाइल ठीक है अपनी कोई कोई भी आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं एक जगह दूसरी जगह रिज्यूम वगैरह कहीं भेजना ठीक है डिजिटल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म क्या होती है प्रिंट आउट, डिजिटल फॉर्म क्या होती है जो आपने फाइल वगैरह कंप्यूटर में बनाई हुई है तो एक जगह से दूसरी जगह भेजना उसे क्या कहते हैं हम ईमेल करना ठीक है। तो इसके ये जो बराबर में दिए विंडो लाइव जी मेल एम एस एन याहू ये सारे ईमेल सर्वर है ठीक है। तो पहली मेल कब भेजी गई थी किसने भेजी थी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है इसमें लिखी हुई है क्वेश्चन आ सकते हैं इसके भी तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। वेबसाइट क्या होती है जब आप google.com या royalrccworld.com ये जो खोलते हो ये क्या है हमारी वेबसाइट ठीक है। गूगल क्रोम ओपेरा अपना सफारी आपके पास फायरफॉक्स है ये सब क्या है ये ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर होते हैं जिनके अंदर आप जाके वेबसाइट खोलते हो उन्हें बोलते हैं हम ब्राउजर। जैसे आप क्रोम चलाते हो मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट का एक सैमसंग इंटरनेट वगैरह जो भी है ओपेरा आप लोग इस्तेमाल करते हो ये सब क्या है ब्राउजर है उसके अंदर जो आप खोलते हो www ठीक है आप readymail.com या edrjal.com psab.ac.in ये सब क्या है हमारे ये हमारे तो वेबसाइट वेबसाइट की एक पहचान ये होती है उसके आगे www तीन बार www जरूर लिखा होगा डॉट या उसके आगे http होता है। तो ये होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है http की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये होते हैं हमारे पास अपना वेबसाइट्स जिनके अंदर ये चलते हैं उन्हें बोलते हैं हम ब्राउजर। और एक वेबसाइट के अंदर जाके एक डाटा के दूसरा डाटा सेंड करना डेट कॉल का ईमेल समझ आ गई। ईमेल की पहचान ये है इसके अंदर एट द रेट जरूर डाला होगा पहले डिजिट होते हैं कोई भी नंबर होगे कुछ भी चीज होगी जो आपका यूनिक यूजर नेम है उसके बाद एट द रेट उसके बाद होते हैं वेबसाइट का नेम जैसे यहां पर लगा हुआ है rccworld.786@gmail.com तो ये जीमेल के अंदर बनी हुई है जीमेल वेबसाइट है और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास ईमेल एड्रेस हो गया ठीक है। अगर किसी के अंदर एट द रेट नहीं लगा होगा तो वो ईमेल एड्रेस नहीं होगा याद रखिए चीज को। फर्स्ट वेबसाइट कब बनी थी ठीक है नहीं है वेब पेज क्या होते हैं वेब पेज जब आप वेबसाइट खोलते हो तो जो पेजेस आते हैं पहला होम पेज फिर आप रिक्रूटमेंट में जाते हो बैंकिंग में कहीं भी जिस वेबसाइट में जा रहे हो तो अलग अलग जो पेज होते हैं डेट्स कॉल्ड द वेब पेज ठीक है। फ्रंट पेज होता है जो स्टार्टिंग में होम पेज खुलता है। कौन बनाता है वेबसाइट कोई भी बना सकता है एक बिजनेसमैन बना रहा है एक शॉपकीपर बना रहा है एक फूड कंट्रेट वाला बना रहा है एक सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं कोई बना रहा है वेबसाइट को। चार्ट क्या होता है हमारे डाटे को जो डाटा जैसे हमारे पास है इस साल हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है कितने स्टूडेंट्स आए थे कितने घटे हार्डवेयर के कितने स्टूडेंट्स है ग्राफिक के कितने हैं पीडीए कितने हैं एक बार पीछे से आपको सर्वे आया था कि अच्छा कोर्स कौन सा है आप लोगों ने उसे पार्टिसिपेट किया था तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना उसे कहते हैं हम चार्ट। ये कई तरह का होता है पाई चार्ट जो सर्कल में आता है लाइन चार्ट कॉलम चार्ट ठीक है नहीं है ये मत कहना फ्रूट चार्ट। एंड्रॉयड एंड्रॉयड क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह से ही मोबाइल के अंदर यूज होने वाला गूगल का एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे क्या कहते हैं हम एंड्रॉयड है ठीक है नहीं है। तो ये कब से शुरू हुआ कितना है किसने बनाया ये सब पढ़ लेना। फेसबुक जानते हो आप सारे फेसबुक की कंपनी का नाम चेंज हो गया है क्या हो गया मेटा ठीक है ओके। एडवांटेज डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज तो यही है कि सोशल मीडिया में आजकल लोग कुछ भी है फेक न्यूज ज्यादा चला रहे हैं तो डिसएडवांटेज तो यह है एडवांटेज तो आप लोग जानते ही हो क्या होगा। कोरल ड्रॉ जो आप जिस विक्टर बेस्ड डिजाइनिंग विक्टर बेस्ड लाइन डिजाइनिंग होती है जिसमें आप लाइनों के थ्रू को डिजाइन बनाते हो उसे विक्टर बेस्ड डिजाइनिंग कहा जाता है।
इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम कोल्ड्रा है, आप लोग यूज करते हो। इस समय जो कोल्ड्रा का वर्जन चल रहा है वो 2021 वर्जन चल रहा है, आपके कंप्यूटर में 2021 वर्जन चल रहा है। फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है? फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर। आप लोग सारे जो कर रहे हैं उनको पता है कि ये फ्लैक्स बैनर वगैरह बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए काम इस्तेमाल आता है। तो आपके पास जो वर्जन है ये भी किसने बनाया था, कब बनाया था, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग करना, यानी कि अपना हिसाब का बुक्स के अंदर रखना, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल, कौन सा कोर्स करते हैं हम लोग अकाउंटिंग का, इसमें आपके पास बीजी, एवरशाइन, टेली, ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो है। बाकी आप मैनुअल करते हो, कैश बुक लेजर बनाते हो, ये सब क्या आपके मैनुअल अकाउंट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। एडवांटेज तो यही है कि भाई इससे हमें पता रहता है कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड है, कितनी लाइबिलिटी खड़ी है, कितनी एसेट्स है हमारे पास, ठीक है, कितने डेटर खड़े हैं, कितने क्रेडिटर खड़े हैं वगैरह वगैरह, जो है हम लोग हिसाब रख सकते हैं। मूझबानी याद रखना आसान नहीं होता, ठीक है। और डिसएडवांटेज इनकम टैक्स फल हो गई होगा, टेली हो गया जी आपके पास, टेली का फंड हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसे बोलते हैं, आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो, कौन सी फील्ड सीख रहे हो, आईटी फील्ड, दैट कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाने की टेक्नोलॉजी जो है वो आईटी है, चाहे आप व्हाट्सएप से यूज कर रहे हो, चाहे आप अपना प्रिंट मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप रिज्यूम वगैरह दे रहे हो, डेट सारे आईटी में आ जाते हैं हम लोग। आगे आ गया व्हाट इज द स्कैनिंग, मैंने आपको आपसे फोटो ली थी, आपकी फोटो ली गई ना, वो फोटो क्या ना स्कैनर के अंदर डाली, स्कैन की तो क्या हो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे आ गई। कई बार हमें कोई फोटो एडिट करनी होती है, पुरानी फोटो है या कोई डिजाइन बनाना होता है, तो हम उसको स्कैन करते हैं पहले, आप मोबाइल से भी उसकी स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये होती है स्कैनिंग, जब आप स्कैनिंग करते हो तो उसकी क्वालिटी हमने सेट करनी होती है। हम कहते नहीं इसकी पिक्चर क्वालिटी खराब है, इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ये पिक्चर क्वालिटी डिसाइड होती है पिक्सल के ऊपर, यानी कि डॉट के ऊपर, 1.1 पिक्सल, ठीक है। तो जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतने ज़्यादा ही वो साथ साथ जुड़े होंगे, उतनी ज़्यादा ही पिक्चर आपकी क्लियर होगी। आप देख रहे जब आप स्ट्रिंग का बनाते हो तो आप रेजोल्यूशन लेते हो, उसमें लिखते हो 300 पिक्सल इन पर इंच, तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंच में आपने कितने पिक्सल डाले, 300। अगर आप उसमें 72 डालोगे तो जब वो फोटो को बड़ी करते हो आप, तो फोटो फट जाती है, क्लैरिटी खो देती है, ठीक है। नहीं है इसीलिए जब आप अपनी कोई डिजिटल फोटो बनाओ तो उसके पिक्सल 300 प्लस ही रखो, 600 रख दो, जिससे कि अगर आज आपने फोटो छोटी दी तो साफ है, कल को उसे आप बड़ी करोगे तो भी वो क्लियर ही रहे, ठीक है। आगे आगे आपके पास जीके क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में 10 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर जीके के होंगे, वो जीके यहां से भी होंगे और इंस्टा के पेज से भी होगा, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, फुल फॉर्म्स, जो फुल फॉर्म यहां पर दी हुई है ये भी याद करनी है, जो पीछे थ्योरी आ रही थी उनके अंदर भी कुछ फुल फॉर्म बीच बीच में दी होगी, उन्हें भी याद कर लो, कौन से फुल फॉर्म आ जाए कह नहीं सकते। उसके बाद आ गया एमसीक्यू मॉडल पेपर, ये इस तरह से आपके पास पेपर आएगा, इतना टफ आए या इतना इससे इजी आए कुछ कह नहीं सकते, तो आपके पास इसी तरह से होगा, ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, नीचे उसकी ऑप्शन होगी, आपने सही ऑप्शन को लेना है और आपने मार्कशीट पे सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नहीं है तो आपके पास दो चीज होगी, क्वेश्चन पेपर अलग होगा और आंसर शीट जो होगी वो अलग होगी, तो आपने ध्यान रखना है कि किसको फोल्ड करना है किसको नहीं करना, और जब आप दोगे तो आपको वो स्टेपल कर दिए जाएंगे, स्टेपलर होंगे वहां पर, स्टेपल करके या टाई करके आपने वहां पर प्रोवाइड कर देने हैं सारे, वो आंसर शीट भी और क्वेश्चन पेपर भी आप लेके नहीं आ सकते, ठीक है। नहीं है क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है ओमार शीट में आप लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी और हमें लगा कि यार इस सुन के तो एग्जाम अच्छा हो रहा है, शायद कोई गड़बड़ हो गई हो, तो ओमार शीट के साथ हमने आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी टेली करना होगा, राइट। दोनों पे ही रोल नंबर लिखे जाएंगे, आप बात समझ गए। सो आई होप कि आपको बुक्स रीडिंग का फंडा समझ आ गया होगा, आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अभी के जो अगले से 10 मिनट हैं
वो सिर्फ आपके क्वेश्चनिंग के हैं। अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हो एग्जाम को लेकर, तो वन बाय वन आप अपना रेज हैंड करके आप पूछ सकते हो। अगर नहीं कुछ पूछना है तो फिर 10 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी। कोई क्वेश्चन किसी का देख लो, आप पूछोगे तो दूसरों को सुनने को मिल जाएगा। जो कुछ बताया समझ आ गया, बुक रीड कर लोगे अब, ठीक है? नहीं है, अपने आप सेल्फ से क्वेश्चन तैयार कीजिए, उनके आंसर ऑप्शन डालिए अपने आप और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। आपसे एक मेथड बना लीजिए कि आपने अगला कोर्स तो कर ही रहे हो लेकिन पिछला जो आपने अब तक कर लिया है उसकी भी रिवीजन करनी है लगातार, और आपस में ग्रुप रिजम बना लोगे वो अच्छा है। दो दो तीन तीन अपने आपस में होगे कि तुम मुझसे पूछ ले, मैं तुझसे पूछ लूँ, पर सेंटर पर शोर नहीं मचाना। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी गुलजार जी, आप पूछ लो, कुछ पूछना। नहीं कोई क्वेश्चन किसी का तो क्लास ओवर करें। प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे मैंने बताया था आपको कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हो, उसको बनाने का जो तरीका होगा उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्योंकि हम कोई चिप तो बना ली, हार्डवेयर तो बना लिया, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए भी उसको एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। इसको हम जो कहें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी, सी प्लस, जावा। आपने सोचा क्या नाम है कि मैंने, आप कोल्डर चला रहे हो तो कोल्डर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ये बनाया कैसे गया? प्रोग्रामिंग थ्रू, ठीक है? नहीं है तो प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक हमारे पास एक कोर्स का नाम ही होता है आमतौर पर, तो ठीक है? नहीं है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं उनको बनाने को प्रोग्रामिंग कहा जाएगा जी। इसके अलावा भी ये वीडियो जो है वो आपके YouTube चैनल जो आपने सब्सक्राइब किया है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको द्वारा कुछ चीज का हिंट चाहिए होगा तो आप वहाँ पर कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप नया क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे जैसे टीचर को टाइम मिलेगा नई वीडियो बना बना के वो आपको अपलोड करते रहेंगे। उसके अलावा भी ये तो मैंने अपना ओवरव्यू दिया आपको बुक्स के लिए, एग्जाम के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टीचर जो आएंगे वो क्लासेज लेंगे, अगली क्लासेज जो होंगी अपने सेंटर पे लेंगे, वो भी अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो वो भी चैनल पर डलती रहेगी। आपका काम यह है कि आप कोशिश करो उन वीडियोस को दोबारा से देखो, हो सकता है मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो या मेरे समझाने का मेथड उतना अच्छा ना हो तो दूसरे का ज़्यादा अच्छा हो, तो आपने उन चीज़ों को जरूर फॉलो करना है। हम ये चाहते हैं कि दो शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मॉर्निंग और इवनिंग में, टाइम पर सबने पहुँचना है, लेट कोई नहीं होगा। और आपने इतना ध्यान रखना है कि दो ही स्टार ऑफ द ईयर आएंगे इस बार, तो आपका जो मॉर्निंग के जो ग्रुप होंगे जिनके अलग अलग सेंटर्स होंगे उनके साथ कंपटीशन है। कंपटीशन इजी नहीं होता क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉपर आए, आएगा कोई एक, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से कर सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर बनना चाहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना चाहेंगे। है कोई यहाँ पर जो स्टार ऑफ द ईयर बनना चाहता है? तो ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हो, पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है? नहीं है तो आप भी कर सकते हो। बाकी क्लास में क्लास चलती रहेगी आपके रेगुलर टाइम पे, कल से अपने अपने टाइम पे आना रेगुलर, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।